Sony Live, we live to entertain. Download the app. पूरा एपिसोड देखने के लिए Sony Live app डाउनलोड करें. Sony Live, we live to entertain. शरीर पे जगह जगह पे चोट पे निशान है, इसके हथेलियों पे भी निशान है। सर लगता है काफी टॉर्चर किया गया है इसे मारने से पहले। लगता है ये रैगिंग का केस है। साहब मेरे बेटे ने जरूर उन लोगों की वजह से आत्महत्या की है, मैंने इनसे शिकायत भी की थी साहब। मेरे विजय के मौत के जिम्मेदार वही लोग हैं जो उसे दिन रात परेशान किया करते थे, उसकी रैगिंग किया करते थे साहब। रैगिंग? देखिए आप हमारी कॉलेज पे गलत आरोप लगा रहे हो। हमारी कॉलेज में रैगिंग नहीं होती है, यहाँ पर कड़ी पाबंदी है। कितनी पाबंदी है ये तो दिख ही रहा है। आपके हिसाब से विजय ने अजीब सा मेकअप और लड़कियों के कपड़े अपनी मर्जी से पहने होंगे? अगर विजय के साथ रैगिंग हो रही होती तो वो मेरे पास आता, उसे शिकायत करता, तो मैं उसी वक्त उस दोषी स्टूडेंट को इस कॉलेज से निकाल देता, उसे सस्पेंड कर देता। पिछले महीने ही हम आपके पास शिकायत लेकर आए थे और आपने हमें आश्वासन भी दिया था कि आप कड़ा कदम उठाएंगे, मगर क्या हुआ, हमारा बेटा हमें छोड़कर चला गया। हमारा इकलौता एक लड़का था साहब, जो हमारी जिंदगी का आखिरी सहारा था। अब हम किसके सहारे जिएंगे साहब, ये पहाड़ जैसी जिंदगी। आप प्लीज शांत हो जाइए। प्रिंसिपल साहब ये सच कह रहे हैं, ये लोग आपके पास आए थे रैगिंग की शिकायत लेके? हाँ बताया तो था। तो फिर आपने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? सर जब तक पता नहीं चले दोषी स्टूडेंट कौन है तब किसके खिलाफ एक्शन ले। कौन स्टूडेंट्स रैगिंग कर रहे थे उसका पता हम कर लेंगे। यहाँ पे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स कौन कौन है, कितने हैं? सर मैंने जिंदगी में कोई झूठ नहीं कहा, आज भी नहीं करा, वाकई मुझे कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता कहने से काम नहीं चलेगा, हमारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा, समझे? सर अब अगर आपके सवालों का जवाब ही नहीं मेरे पास तो मनगढ़ंत कहानियां थोड़ी ना सुना सकता हूँ। अभिजीत वाकई में लगता है ये सही बोल रहा है। अरे अगर उसे पता ही नहीं क्या है तो क्या बता सकता है वो? क्या करूंगा, छोड़ दें इसको। नहीं छोड़ना नहीं, मेरा मतलब है एक काम करते हैं, फॉर्मूला 195 इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मूला 195 इसके साथ? हाँ क्यों? सर मुझे नहीं लगता ये बर्दाश्त कर पाएगा 195 से। पता नहीं बोले जा रहे हैं तो क्या करें? ठीक है देखो भाई मैंने कोशिश की थी लेकिन सर नहीं मान रहे तो मैं क्या कर सकता हूँ। सचिन जयवंती करो तैयारी 195 की। ओके सर। ये फॉर्मूला नंबर 195 क्या लगा रखा है आप लोगों ने, आखिर है क्या ये? अभी पता चल जाएगा बस थोड़ी देर में। देखो यार मैं इतना बता सकता हूँ कि तुम्हारा टाइम बहुत खराब हो गया है। ये 195 नंबर का जो फॉर्मूला हमने इन लोगों को दिया है ना, उनकी हालत देखोगे तो आत्मा कांप जाएगी। मैं तो बर्दाश्त नहीं कर पाता यार। चलो फॉर्मूला भी तैयार हो गया, गरीब आदमी गलती हो गया सब, माफ कर दीजिए सब। बताएगा सब बताऊंगा सर। चला जा बताता हूँ, पहले फॉर्मूला नंबर 195 मंजन थोड़ा दूर कीजिए सर। उस रात कुछ लड़के आए थे हॉस्टल में एक लड़की को लेकर, मैंने उन्हें रोका तो उन लोगों ने कहा ये लड़की नहीं लड़के के भेस में लड़का है। लड़की के भेस में लड़का, क्या वो विजय था? जी साहब, मैंने उनसे कहा तुम लोगों ने रैगिंग की है मैं शिकायत कर दूंगा,
तो उन लोगों ने मुझे 10,000 रुपये देकर मेरा मुंह बंद कर दिया सर। 10,000 रुपयों के लिए तुमने नौकरी के साथ गद्दारी की? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। विजय जब उन लोगों के साथ आया था तो किस हालत में था? बातचीत कर रहा था? नहीं साहब, सो रहा था। उन लोगों ने कहा कि सर आप कुछ ज्यादा हो गई है। जितने भी लोग थे जो विजय को लेकर आए थे उन सबके नाम चाहिए हमें, एक एक के नाम चाहिए। बस चलो वंश, चलो भाई साहब ये गैस बंद करो, सारा गैस बंद करो। सर सर यहां कुछ नहीं मिलेगा सर। सर चुपचाप खड़े रहो। सर सर उसमें चीनी है। हाँ चीनी है? हाँ? क्या ये चीनी है? किसको सिखा रहे हो? चीनी है, खाओगे? चल। इसमें क्या ये? हाँ? क्या कहना है इसके बारे में? सर मैं कुछ नहीं जानता इसके बारे में सर। हो सकता है इस वेटर का हाथ हो इसमें। सर मुझे क्यों फंसा रहे? ये जो कुछ भी होता है आपके इशारे पे होता है। उफ, ये कौन सा तरीका माली से वफादारी निभाएगा? रुक। ये जहर बेच के देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है तू? हाँ? वफादारी का स्वाद मैं चखाऊंगा तुझे। हाँ सर, रेस्टोरेंट की आड़ में ड्रग्स मैं ही बेचा करता था बच्चों को। रेस्टोरेंट के बाहर जिस दिन दम बिरयानी का बोर्ड लगा होता था तो उसका मतलब था ड्रग्स की नई सप्लाई आ चुकी है और कोई भी आकर खरीद सकता है। इस देश के नौजवानों को तुम ड्रग्स के दलदल में धकेल रहे थे। सर ड्रग्स मार्केट में इसके लिए बिकते हैं क्योंकि लोग उन्हें खरीदते हैं। जिस दिन ये लोग ड्रग्स खरीदना बंद कर देंगे मुझ जैसे लोग ड्रग्स बेचना भी बंद कर देंगे। मासूम भोले भाले बच्चों को ड्रग्स के जाल में कैसे फंसाते हो हमें सब पता है। ड्रग्स का पैसा जाता है आतंकवादियों को, हथियार खरीदते हैं, बॉम्ब खरीदते हैं और उसका इस्तेमाल होता है हमारे देश में। तुम्हारा ये जो ड्रग्स का नेक्सस है, ये ड्रग्स का कैंसर हमारे इस देश से उखाड़ कर फेंक देंगे, याद रखना। और तुम बच्चों कॉलेज किस लिए जाते हो? पढ़ाई करके एक अच्छे नागरिक बनो और इस देश की प्रगति में शामिल हो जाओ। पर ये क्या हुआ, तुम किताबों की संगत छोड़ ड्रग्स को पकड़ लिया तुम? हमें माफ कर दीजिए सर, हमसे गलती हो गई। गलती नहीं, गुनाह किया तुम लोगों ने। एक तो ड्रग्स ली और फिर उससे भी बड़ा अपराध किया, खून किया तुम लोगों ने विजय का। सर वो तो हमें इसने करने को कहा था। लेकिन मैं क्यों? मैं अगर तुम्हें कहूंगा कुएं में कूद जाओ तो क्या तुम कूद जाओगे? याद रख, तुम सब लोग दोषी। तुम लोगों ने कभी सोचा विजय को मारते वक्त? कभी उसके माता पिता के बारे में सोचा तुमने? क्या गुजरेगी उन पर जब विजय इस दुनिया में नहीं रहेगा? कहां है हमारे बेटे के खूनी? सॉरी सर, मैंने इन्हें रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन। कोई बात नहीं, देखो अब इन दोनों को, ये है विजय के माता पिता, ये है विजय के हत्यारे। क्यों किया तुम लोगों ने ये सब? अरे मेरा बेटा भी तुम लोगों के जैसा ही था, तुम्हारी उम्र का, हंसता खेलता, वो भी तो तुम लोगों की तरह इस कॉलेज में पढ़ने आया था। क्यों छीनी उसकी जिंदगी तुम लोगों ने? हमें माफ कर दीजिए आंटी, वी आर रियली सो सॉरी। तुम्हारा सॉरी क्या हमारे बेटे को लौटा सकता है? उसकी आरती का जो बोझ मेरे कंधे पे है वो कम कर सकता है क्या? इन सबके वजह ये आदमी है, इसने किया ये सब। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम मेरे बेटे के हत्यारे हो। सजा कानून देगा, प्लीज संभालिए अपने आप को सर। निखिल ले जाओ इन सबको। थैंक यू सर, आपने अपना वादा पूरा किया।
आखिर मेरे बेटे के कातिलों को आपने पकड़ ही लिया। Sony Live, we live to entertain. Download the app. पूरा एपिसोड देखने के लिए Sony Live app डाउनलोड करें। Sony Live, we live to entertain.